तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। चलिए शुरू करते हैं और एक नई वीडियो के साथ। लेट्स स्टार्ट टू अनलीश अग्रसन की बावली। अग्रसन की बावली एक 60 मीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ी एक स्टेप वेल है, जो कि लोकेटेड है दिल्ली इंडिया में। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड बेस्ट प्रिजर्व स्टेप वेल है सिटी का। ऐसा माना जाता है कि ये बावली रिनोवेट की गई थी 14 सेंचुरी में और इसे बनाया गया था महाराजा अग्रसेन द्वारा। ये बावली में 103 स्टेप्स है जो कि वाटर टैंक की तरफ जाते हैं। ये स्टेप्स रेड सैंडस्टोन से बने हुए हैं और डेकोरेटेड है आर्चेस और नीचेस से। अग्रसेन की बावली एक बहुत ही पॉपुलर स्पॉट है जो कि पॉपुलर है फोटोशूट और फिल्म शूट्स के लिए। यहाँ पर कई बड़ी मूवीज भी शूट हुई है, जिनमें से कुछ के नाम है पीके, सुल्तान और कभी अलविदा ना कहना। और भी कई मूवीज की शूटिंग यहाँ पर हुई है। इस बावली की एक डार्क साइड भी है। ऐसा माना जाता है कि ये बावली हॉन्टेड है। ऐसा कहा जाता है कि अग्रसेन की बावली का जो कुआ है उसमें जो पानी है काले रंग का, वो लोगों को अट्रैक्ट करता था और बाद में उसी कुएं में लोग कूदकर अपनी जान दे दिया करते थे। बाद में इस जगह में कुएं वाली जगह को बंद कर दिया गया। कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि जब आप इस बावली में जाते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि कोई आपको देख रहा है। और कई बार तो मतलब कई लोगों ने ऐसा भी बताया है कि बावली में आवाजें भी सुनाई देती है। और इस स्पॉट पर रात के टाइम ना तो कोई शूटिंग होती है और ना कोई अंदर जा सकता है। इस जगह को इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। सबसे मेन बात तो रह गई बताने की कि अग्रसेन की बावली पहुंचा कैसे जाए। ये जगह लोकेटेड है हेली रोड नियर कनॉट प्लेस एंड जंतर मंतर। आपको जाने के लिए यहाँ इजिली बसेस और टैक्सीज मिल रही। ये जगह बहुत ही पॉपुलर जगह है पूरी दिल्ली की। और कुछ एडिशनल टिप्स है आपके लिए अगर आप अग्रसेन की बावली जा रहे हो। ये जगह ओपन रहती है सुबह के 7 बजे से शाम के 6 बजे तक और यहाँ पर जाने के लिए कोई एंट्री फी नहीं है। अग्रसेन की बावली एक फैसिनेटिंग एग्जांपल है इंडियन आर्किटेक्ट का। ये हमें रिमाइंड कराती है दिल्ली के रिच हिस्ट्री कल्चर के बारे में। तो कभी दिल्ली जाओ तो इस जगह को मिस मत करना। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल हो। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और घंटी दबाना ना भूलिएगा।